फ्रेंड, राम राम, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ओनेस्ट रिएक्शन में फ्रेंड। और मैं अभी जिस पे रिएक्शन दे रही हूँ उस वीडियो का नाम है फ्रेंड्स पानीपत का तीसरा युद्ध जब गर्जी मराठी तलवार फ्रेंड्स। और इस वीडियो पे रिएक्शन देने का सजेशन आया है स्वराज जी की तरफ से फ्रेंड्स, स्वराज पवार जी की तरफ से फ्रेंड्स। तो लग तो बहुत अच्छा वीडियो रहा है फ्रेंड, और मेरे को ऐसे वीडियो बहुत पसंद है। तो सजेशन भेजने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच स्वराज जी आपको। और आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो। उससे भी पहले इस चैनल का नाम है डिमांडिंग पंडित फ्रेंड्स, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और मेरा भी चैनल देखो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और पहले से अगर सब्सक्राइब कर लिए हो तो थैंक यू। वीडियो पूरा देखो, लाइक करो। आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करते। वन टू थ्री सॉरी, इतिहास ने हमें बहुत कुछ दिया, कुछ बहुत अच्छा तो कुछ बहुत बुरा। जहां अपने किस्सों से इतिहास ने हमें गौरवान्वित किया, तो वही कुछ किस्से हमारे दिल के नासूर बनकर रह गए। इतिहास ने अपने आंचल में इसी तरह के किस्से को सहेज रखा है, जिसे सुनते ही धमनियों में बहने वाले रक्त की गति सामान्य से कहीं अधिक हो जाती है। यह घटना थी 18वीं सदी में लड़े गए सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक, पानीपत के तीसरे युद्ध की, जिसने एक ही दिन में हजारों योद्धाओं को काल का ग्रास बना दिया। तो आइए डिमांडिंग पंडित के साथ चलते हैं पानीपत के उस विनाशक युद्ध के काल में। 18वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की जमी पर सीना ताने खड़ा मुगल साम्राज्य अब घुटनों पर आ चुका था। दूसरी तरफ मराठाओं का भगवा परचम बुलंदी पर लहरा रहा था। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में राजपूताना मालवा और गुजरात के राजा मराठों के साथ आ मिले थे। ये वो दौर था जब संपूर्ण हिंद की कमान मराठाओं के हाथों में थी। मराठाओं के लगातार आक्रमणों ने मुगल बादशाहों की हालत बद से बदतर कर दी थी। उत्तर भारत के अधिकांश इलाके जहां पहले मुगलों का शासन था, अब वहां मराठों का कब्जा हो चुका था। 1758 में पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव ने पंजाब पर विजय प्राप्त करके मराठा साम्राज्य को और अधिक विस्तृत कर दिया। किंतु उनकी जितनी ख्याति बढ़ी, उनके शत्रुओं की संख्या में भी उतनी ही बढ़ोतरी हुई। खैर, मराठाओं का परचम अब अफगान की छाती पर लहरा रहा था, पर इस बार मराठाओं का सीधा सामना अफगान के नवाब अहमद शाह अब्दाली के साथ होना था। अफगान की सीमाओं पर लहराते मराठे परचम को अब्दाली ने एक चुनौती माना। इसी के तहत अब्दाली ने साल 1759 को पश्तून और बलोच जनजातियों को एकत्रित करके एक विशाल सेना का निर्माण किया, और इसी सेना के साथ अब्दाली भारत की तरफ बढ़ने लगा। उसने रास्ते में आने वाले कई छोटे छोटे राज्यों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसी तरह अब्दाली अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता रहा। अब्दाली के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए भाऊ पेशवा ने एक विशाल सेना के साथ अब्दाली को पानीपत के मैदानों में घेर लिया, जिसके बाद फरवरी सन 1761 को आगाज हुआ पानीपत के तीसरे युद्ध का। जब अटक से कटक तक मराठाओं ने भगवा लहराया। सन 1707 के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा देखा गया संपूर्ण भारत पर मराठा हिंद साम्राज्य के आधिपत्य का स्वप्न अब पूर्ण होता प्रतीत हो रहा था। 1758 में मराठाओं ने दिल्ली सहित लाहौर पर कब्जा कर लिया।
तथा तैमूर शाह दुर्रानी को वहां से खदेड़ दिया। अब मराठा साम्राज्य की हदें उत्तर में सिंधु की धाराओं से लेकर हिमालय की पहाड़ियों तक और दक्षिण के मैदानों से लेकर अफगान की घाटियों तक फैल चुकी थी। उन दिनों मराठा साम्राज्य की कमान पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव के हाथों में थी। बालाजी ने तय किया कि दिल्ली के ध्वज से छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हुकूमत कायम की जाए। इसी के तहत बालाजी ने अपने पुत्र विश्वास राव को दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाने का पक्का मन बना लिया था। इस दौर में दिल्ली पर मुगलों का नाम मात्र का शासन रह गया था और वे सभी मराठों के विस्तृत होते हुए साम्राज्य को देखकर भयभीत हो रहे थे। साल 1758 में पंजाब पर किए गए हमले के बाद लाहौर तक अपना कब्जा करने के बाद मराठों ने वहां के शासक तैमूर शाह दुर्रानी को बुरी तरह से खदेड़ दिया। तैमूर शाह अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। अब्दाली को यह बात ना गवार गुजरी, जिसके बाद उसने भारत पर हमले का मन बना लिया। सबसे पहले उसने पंजाब के उन जगहों पर हमला किया जहां मराठा फौजें कम संख्या में थी। उसके बाद वो अपने विशाल लश्कर के साथ आगे बढ़ा। अहमद शाह ने पंजाब, कश्मीर और मुल्तान पर कब्जा जमाने के बाद दिल्ली के अकूत खजाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई, जिसके बाद अब्दाली अपने विशाल लश्कर के साथ दिल्ली में रुक गया। जब मराठाओं ने प्रतिघात के स्वर में ललकार लगाई, अब्दाली के दिल्ली में रुकने से मराठे गुस्से की आग में तपने लगे। इसी ताप में तप रहे मराठा सरदारों ने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस दिन को इतिहास की एक निर्णायक घटना माना जाता है, क्योंकि इस दिन मराठों ने न केवल अब्दाली को पराजित करने की योजना बनाई थी, बल्कि उन्होंने बंगाल जाकर बढ़ती जा रही ब्रिटिश ताकतों को रोकने का भी मन बना लिया था। मराठा सरदारों ने अब संपूर्ण भारत से विदेशी ताकतों का समूल खात्मा करने की शपथ दोहराई। अगर यह संभव हो जाता तो शायद ब्रिटिश साम्राज्य का अंत उसके उदय से पूर्व ही संभव था। खैर, इस समय मराठा साम्राज्य के पास एक विशाल सेना थी, पर कहीं न कहीं उनको दूसरे राजाओं के समर्थन की भी जरूरत थी। कहने के लिए तो मुगल शासक मराठों के साथ थे, किंतु उनकी वफादारी हमेशा संदेहपूर्ण रही। मराठा उन पर पूरा विश्वास कभी नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी राजे के समय मराठों के राजपूतों से बहुत घनिष्ठ संबंध थे, किंतु साल 1750 आते आते मराठा और राजपूतों के संबंध खराब होने शुरू हो गए। वहीं ब्रज के ताज हिंदू राजा सूरजमल मराठों के कट्टर समर्थक, किंतु वक्त के साथ जाट और मराठाओं की मित्रता भी कमजोर पड़ने लगी। खैर, चारों दिशाओं की स्थिति को भांपने के बाद 14 अप्रैल सन 1760 को मराठा सेना भाऊ सदाशिव राव पेशवे के नेतृत्व में पुणे से दिल्ली की ओर रवाना हुई। यहां से प्रस्थान करते समय मराठा सेना में 50,000 पैदल सैनिक थे। आगे के सफर में जैसे जैसे मराठों को अपने सहायकों की मदद मिली, वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ती चली गई। आगे बढ़ रही मराठा सेना को कई राज्यों की सेनाएं और अनुभवी योद्धा मिलते गए, जिसने मराठों की ताकत को दोगुना कर दिया। इब्राहिम खान गार्दी का भी मराठों की ओर से इस युद्ध में विशेष योगदान रहा। गार्दी के पास फ्रांस में निर्मित राइफलों के साथ 8,000 ऐसे सैनिक थे जो फ्रांसीसी सेना द्वारा प्रशिक्षित थे। वे भी मराठों के साथ आ मिले। गार्दी के पास 200 उत्कृष्ट बंदूकें तथा युद्ध की तोपें भी थी, जिनका उन दिनों विशेष महत्व था। मई और जून के बाद जब लंबे सफर के बाद मराठा आगरा पहुंचे, तब मल्हार राव होलकर और जुनकोजी सिंधिया भी अपनी सेनाओं के साथ मराठा सेना में शामिल हो गए। इसी कड़ी में मराठा सेना जब दिल्ली पहुंची, तब उनकी सैन्य शक्ति 2,00,000 तक पहुंच चुकी थी। वहीं मुगल बादशाह मराठों की सहायता के लिए पहले से संधिबद्ध थे। दूसरी तरफ दिल्ली में मराठों के बहुत कम शुभचिंतक थे।
असल में वे मराठों के बढ़ते वर्चस्व से खुश नहीं थे। इस बात का फायदा उठाते हुए तो नजीब खान जैसे बादशाहों ने अब्दाली को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। दिलचस्प बात तो यह थी कि अब्दाली ने केवल लूट के मंसूबों के साथ भारत में कदम नहीं रखे थे, अभी तो उसका सपना दिल्ली के सिंहासन को मुगलों के हाथों से छीनना था। इसी के तहत उसने उत्तरी दिल्ली में बसे हुए अफगानियों को अपनी तरफ कर लिया था, जो कि इस युद्ध में फायदेमंद साबित हुआ। मकर संक्रांति के दिन जब रण में हुआ मृत्यु का तांडव। 14 जनवरी सन 1761 मकर संक्रांति के दिन पानीपत के मैदानों में दोनों सेनाएं आमने सामने आई, जिसके बाद रण में शुरू हुआ मृत्यु का तांडव। इब्राहिम खान की विशेष बंदूकों और तोपों ने रणभूमि में हाहाकार मचा रखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मराठा आज नया इतिहास लिखेंगे। Welcome to Amazon Prime Video Channels. Love all the amazing shows and movies that are part of your Prime member. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मराठा आज नया इतिहास लिखेंगे। किंतु शाम होते होते युद्ध की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। दोनों पक्षों के लगभग 40,000 सैनिक काल के ग्रास बन चुके थे। पेशवा बाजीराव के पुत्र विश्वासराव, जसवंतराव पवार तथा तुकोजी सिंधिया सहित कितने ही योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इस युद्ध के विनाश का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसका कम से कम एक सगा संबंधी इस युद्ध में न मारा गया हो। मराठों की ओर से मरने वाले केवल सैनिक ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी थे, जो सेना के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। मराठों की हार के बाद अब्दाली ने अपनी सेना के साथ इन नागरिकों को मारते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप सोचते हैं कि अब्दाली की सेना ने मराठों को परास्त कर दिया तो आपका ऐसा सोचना गलत होगा। मराठों को अब्दाली की सेना ने नहीं अपितु तेज ठंड ने हराया था। मराठा सेना युद्ध स्थल के मौसम से अनजान थी तथा पतली धोती और कुर्ता पहनकर हथियारों के साथ जंग के मैदान में कूद पड़ी, जिसका परिणाम ये रहा कि सर्दी से उनकी हालत पस्त हो गई। जबकि अब्दाली को इस मौसम का पूरा अनुमान था, उसने अपनी सेना को मौसम के अनुकूल पोशाकें पहनाकर युद्ध के मैदान में उतारा था। और तो और अब्दाली की सेना का एक बड़ा हिस्सा बर्फीले इलाकों से आया था, जिनके लिए यह सर्दी तो कुछ भी नहीं थी। दूसरी तरफ पेशवा सदाशिव राव बहू की भावुकता ने भी मराठों की पराजय पहले ही सुनिश्चित कर दी थी। वह यूं था कि युद्ध के मैदान में विश्वास राव बहू को गोली लग गई। विश्वास राव बहू सदाशिव राव के अत्यंत प्रिय थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सदाशिव राव बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर विश्वास राव के पास चले गए। इधर अपने सेनापति सदाशिव राव बहू के हाथी पर उन्हें न पाकर मराठा सेना भयभीत हो गई। उन्हें लगा कि बहू वीर गति को प्राप्त हो गई। परिणाम स्वरूप हार की ओर बढ़ती अब्दाली की सेना में नया जोश आ गया और वो फिर से उठ खड़े हुए। कहा जाता है कि इस युद्ध के समय मराठों का खाना पानी भी समाप्त हो चुका था, फिर भी उन्होंने अंततः भूखे प्यासे रहकर युद्ध को जारी रखा। इस युद्ध में एक दिन में तकरीबन 40,000 योद्धा मारे गए, जो किसी भी सामान्य युद्ध में मरने वाले योद्धाओं की संख्या से बहुत ज्यादा थे। भारत की दुर्गति का हमेशा से यही कारण रहा कि यहाँ के राजाओं ने अपना अपना फायदा सोचा। एकता तो हमारी कभी बन ही नहीं पाई तथा अपनों को छोड़ बाहरी दुश्मनों को पनाह दी। इसके विपरीत अगर शुरुआत से ही सभी एकजुट होकर लड़ते तो शायद आज हमारा भारत सबसे शक्तिशाली होता। कोई हमें कभी गुलाम नहीं बना पाता। दौर कोई भी हो लेकिन हमारे देश पर राजनीति हमेशा हावी रही, कल भी और आज भी। पानीपत की लड़ाई और उसके परिणामों से हमें यही सबक मिलता है। आपका इस बारे में क्या कथन है
इस वीडियो को अधिक से। हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी वीडियो थी। और ये पानीपत का जो तीसरा, मतलब पानीपत का तीसरा युद्ध फ्रेंड, इसके बारे में मैं बहुत ही, मतलब बहुत ही रेयर जानती थी, बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी फ्रेंड्स। और मकर संक्रांति यानी संक्रांत, हम लोग संक्रांत बोलते हैं, संक्रांत के दिन जो ये मतलब इतना बड़ा जो युद्ध हुआ, उसमें 40,000 सैनिक फ्रेंड, मतलब सोचने से भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप तो, मतलब पहले कैसा चलता था ना ये सब, मेरे को तो एक ये समझ में नहीं आता फ्रेंड्स कि किसी को मार के मतलब बलवान क्यों इंसान बनता है, मेरे को तो यही समझ नहीं आता फ्रेंड्स। और जो पहले था फ्रेंड्स के हमारे, मतलब जो हमारे भारत देश है, हमारा इंडिया, वो बहुत ही संघर्षों से गुजरा है फ्रेंड्स। पहले बाहर से कितने लोग आए, उसने हमला किया, वो लूट के ले गए, मुगल आए, वो लूट के ले नहीं गए, लेकिन इधर ही हम लोगों के ऊपर ही राज करने लगे फ्रेंड्स। और फिर जो बचा कुचा था वो अंग्रेज आके 200 साल राज करके हम लोगों पे चले गए फ्रेंड्स। उसमें वीडियो में जो लास्ट में बोला ना फ्रेंड्स, वो एकदम सही बात है कि जो राजनीति है ना, वो तभी भी हम पे भारी पड़ती थी और आज भी भारी पड़ती है फ्रेंड्स। आज भी बहुत राजनीति चलती है, और अगर हम लोग नहीं समझे, इसी तरह अगर चलता रहा ना फ्रेंड्स, तो आगे भी राजनीति हम पे बहुत भारी पड़ेगी फ्रेंड्स। और इसमें बताया गया कि जो मराठा थे वो फ्रेंड्स, उसने बहुत ही वो मतलब हमारे भारत में उसको मुगल को भगाने में फ्रेंड्स बहुत बड़ा योगदान है मराठा का। मतलब ऐसे मतलब शेरों जैसे वो लड़े हैं, शुरू से आखिर तक उसने प्रयास चालू रहा, सामने अपने भी खड़े हो गए को किसी के साथ, जैसे अपने ही देश से जो राजा वगैरह होता है वो सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी उसने हार नहीं मानी फ्रेंड्स। उसकी मतलब वो उसका जो प्रयास है मुगलों को भगाने का और मतलब भगवा परचम फैलाने का चारों तरफ, वो उसका मतलब चालू रहा फ्रेंड्स। और जो ये लास्ट में ये बात बोली ना फ्रेंड्स कि हम लोग सब लोग कभी एक नहीं हुए फ्रेंड्स, तभी भी ये चलता था अपने अपने फायदे के लिए, कितने राजा जो मुगल के साथ मिल जाते थे वो क्यों, अपना विस्तार फैलाने के लिए, अपना राज्य फैलाने के लिए फ्रेंड्स। तो इस वजह से भी हमारे इंडिया में काफ़ी हमारे भारत को नुकसान हुआ है फ्रेंड्स। अगर हम लोग एक बन के तभी चलते और आज भी चले ना फ्रेंड्स, तो हमारे भारत को कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। तभी भी राजनीति हावी थी और आज भी राजनीति हावी है। आज भी फ्रेंड्स धर्मों के ऊपर राजनीति की जाती है और नीची जात ऊंची जाति इस पे राजनीति की जाती है फ्रेंड्स। तो हम लोगों को, हम धर्म वाइज क्यों भेदभाव करते हैं, हम जाति वाइज क्यों भेदभाव करते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता फ्रेंड्स। अगर हम इंडियन होके पहचाने जाए ना फ्रेंड्स, हम भारतीय है, सबसे पहले हम जाति धर्म ये सब साइड में छोड़ो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम भारतीय है और ये ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है फ्रेंड्स। तो हम जाति धर्म को साइड में छोड़े और हम भारतीय एज ए भारतीय पहचाने जाओगे ना फ्रेंड्स, तो इस दुनिया में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हम इंडियन का फ्रेंड्स। और बस यही सब कुछ जो था ना, वो पहले भी भारी पड़ी ना फ्रेंड्स, हमारा इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था फ्रेंड्स। सब आए अपने अपने फायदे निकालते गए और हमारी सोने की चिड़िया लूट लूट के भारत को चले गए फ्रेंड्स। और इसी में बस ये जान के बहुत दुख होता है फ्रेंड्स के अपने फायदे के लिए हमारे ही लोगों ने उनका मतलब साथ दिया। अगर एक से लड़ते और संघर्ष करते फ्रेंड्स, तो आज वो बोले ना इंडिया अलग ताकत
से खड़ा होता है फ्रेंड्स इन सब के बीच में। और सभी नहीं होते, कोई कोई ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने जितना भी देखा है फ्रेंड्स, मैंने बड़े बड़े लेजेंडों के वीडियो पे रिएक्शन दिया है फ्रेंड्स, उसमें मैंने देखा है फ्रेंड्स कि सभी लेजेंडों का बहुत बड़ा योगदान है। जो पानीपत का सबसे बड़ा जो युद्ध शुरू हुआ फ्रेंड्स, उसमें मतलब जो हमारे जो 40,000 जो सैनिक थे वो उस मतलब वीर गति को प्राप्त हुए, उसका बड़ा एक कारण था फ्रेंड, एक तो हमारी आपस में लड़ाई, सेकंड ये कि उस टाइम ठंड बहुत होती है ना, यही टाइम था, तो इस टाइम तो जनवरी में ठंडी ठंड होती है फ्रेंड्स। तो हमारे पास हमारे बेचारे भारत माँ के भक्त, भारत माँ के प्रेम में बस ऐसे धोती ही और पतला कुर्ता पहन के चले गए फ्रेंड्स। बोलो कितना बड़ा बलिदान है ये। और सामने जो थे उसके पास, वो तो जानते थे कि बहुत ठंड होगी, तो पूरे मतलब साजो सामान के साथ आए थे, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी हमारी हार की फ्रेंड। और यही हम लोगों के साथ होता आया है फ्रेंड्स। सुविधा की कमी के कारण भी हम बहुत जगह फ्रेंड्स हारते हैं। हम लोगों में जज्बों की इंडियन में कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन बस यही है कि जहाँ जहाँ हम हारे हैं, हम कभी भी फ्रेंड्स सामने वाला हमको कभी नहीं हरा पाया फ्रेंड्स। लेकिन हमारी पास जैसे सुख सुविधा की कमी होने के वजह से भी हम काफ़ी बार फ्रेंड्स हमको हार का सामना करना पड़ा है। इसमें भी हमने देखा, ये तो सदियों पहले की बातें हैं फ्रेंड्स, और अभी भी हाल में हमने हाल में नहीं थोड़े मतलब जो 1962 में भी फ्रेंड्स चाइना के सामने, चाइना बहुत इतराता है कि हमने इंडिया को हराया है, लेकिन उस टाइम भी हमने यही सुना था फ्रेंड्स के हमारे पास सुविधा नहीं थी, उसके कारण यही सेम चीज़ हमारा खाना ख़त्म हो गया था हमारे सैनिक के पास, जब खाना पेट में नहीं जाएगा तो कैसे लड़ेंगे। इसमें भी मैंने सुने कि मराठा के पास जो था वो खाना मतलब कुछ नहीं था, फिर भी वो लड़ते रहे। वो जज्बा देखो फ्रेंड्स, तो उस जज्बे को फ्रेंड्स कोटि कोटि नमन है। और हमारे जितने भी लेजेंड हो गए फ्रेंड्स, उसके सामने हम सत सत नमन करेंगे फ्रेंड्स। और मेरे को तो वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी, स्वराज पवार जी को थैंक यू सो मच फ्रेंड, बहुत अच्छी वीडियो सजेस्ट की है फ्रेंड्स। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड्स, ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो पूरा देखना, और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।